जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय श्री राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि आप कमेंट बॉक्स में किसी का उपहास बिल्कुल ना करें। कोई व्यक्ति या जातक किसी समस्या से परेशान रहता है तो वह उस समस्या के समाधान हेतु सभी से संपर्क करते हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी का उपहास करना बिल्कुल ही निंदनीय है, तो आप किसी के मान सम्मान को ठेस बिल्कुल ना पहुंचाएं। हो सकता है कि इनमें आपके परिवार के लोग भी शामिल हो, जो यहाँ पर नहीं कहीं और पर अपने समस्या का समाधान ढूंढ रहे होंगे और उनके साथ भी कोई उपहास कर रहा होगा। तो आप सभी व्यूवर्स से अनुरोध है कि किसी का उपहास ना करें। समय के अभाव के चलते आपको यथाशीघ्र जवाब देने में असमर्थ हूँ, इसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। इस समस्या का भी समाधान जल्दी किया जाएगा। आप त्वरित जानकारी के लिए केपी की वाणी से व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अब आप केपी की वाणी से शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है या किसी न किसी वजह से उनकी शादी में देरी हो रही है, तो आप केपी की वाणी से अपनी शादी की कुंडली दिखाकर और बनवाकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से शादी होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका कैरियर कैसा होगा, ससुराल में घर द्वार कैसे होंगे, ससुराल के लोग कैसे होंगे, यह सभी जानकारी आपको केपी की वाणी पर लिखित और मौखिक दोनों प्रक्रिया से जानकारी दी जाएगी। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो कुंडली में योग है या माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, साथ ही शादी में आ रहे सभी प्रकार के दोषों को दूर करने के सरल उपाय बताए जाएंगे, यह सभी जानकारी आपको हिंदी में बताई जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आए और आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। यह जानकारी आपको चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली के आधार पर दी जाएगी। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है, वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही करा लें। ज्योतिष शास्त्रों में माने तो नारी दोष, भकुट दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अगर आप विवाह करते हैं तो विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है। इसके लिए आप अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं या अपनी कुंडली मिलान केपी की वाणी से भी करवा सकते हैं। हम लोग मांगलिक शुल्क लेकर आपको कुंडली मिलान कर विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी देंगे कि कैसा आपका जीवन बीतने वाला है। वहीं अगर आप विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी है तो भी आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। निसंकोच फोन पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आइए अब आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको गुरु के राशि परिवर्तन से जिन तीन राशियों के 100% शादी के योग है उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। तो आइए जानते हैं। तो गुरु जो है उसको विवाह का कारक माना गया है और पुरुष सुख का कारक माना गया है। लड़कियों के शादी के जो कारक हैं वो गुरु माने जाते हैं। गुरु के मजबूत रहने से लड़कियों के शादी शीघ्र हो जाती है। गुरु को करियर और कारोबार के लिए भी कारक माना गया है। गुरु मजबूत रहने से करियर और कारोबार को नई दिशा मिलती है। अगर आप करियर में किसी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं या कारोबार में आपको नुकसान हुआ है और आप उसकी भरपाई करना चाहते हैं, अंधेरा ही अंधेरा जीवन में है, तो आप गुरु का हाथ थाम सकते हैं, यानी गुरु को मजबूत कर सकते हैं। गुरु को मजबूत करने से आपके सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अर्थ के जो कारक हैं वो गुरु ही है, विवाह के कारक वो गुरु ही है, पुत्र के कारक गुरु ही है, यानी गुरु के मजबूत रहने से आपके जीवन में केवल और केवल मंगल ही होगा, अमंगल तो दूर दूर तक नहीं होगा। तो गुरु को मजबूत करना बहुत ही सरल है। लड़कियां गुरुवार का व्रत करें, महिलाएं सुख और सौभाग्य के लिए गुरुवार का व्रत रख सकती हैं। इस दिन जो है पीले वस्त्र धारण करें, पीले चीजों का सेवन करें और भगवान को भी पीले चीजों से ही उनके भोग लगाएं, उन्हें प्रसाद भेंट करें। तो गुरु को मजबूत किया जा सकता है। आप
पीले वस्त्र धारण करें, वहीं अविवाहित लड़कियां जल में हल्दी मिलाकर स्नान करें, चंदन के टीके जो है वो गले में अथवा मस्तक पर धारण करें और पीले वस्त्र धारण करें, पीले चीजों के सेवन करें, बेडशीट को पीले रखें तो इससे भी गुरु मजबूत होता है। सोने वाले बिस्तर के नीचे किसी प्रकार का कोई कबाड़ी सामान ना रखें, इससे गुरु कमजोर होता है। गुरुवार के दिन जो है साबुन शैंपू का कम से कम इस्तेमाल करें। इन उपायों को करने से गुरु मजबूत होता है। साथ ही आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं तो इससे गुरु मजबूत होता है। वहीं अगर गुरु बहुत ही कमजोर है, नीच है, तो केले का सेवन बिल्कुल ना करें। इस दिन केले के, चने के दाल आदि चीजों का दान करना शुभकर होता है। तो गुरु से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विवाहित महिलाओं को पुत्र की प्राप्ति होती है, वहीं अविवाहित लड़कियों की शादी शीघ्र होती है। वहीं अगर आप कैरियर और रोजगार में परेशानी झेल रहे हैं तो आप गुरु मजबूत कर इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आइए अब मैं आपको आज के वीडियो पर नजर डालकर यह जानकारी देता हूं कि किन तीन राशियों के 1000% शादी के योग बन रहे हैं। 20 नवंबर 2021 को जो है गुरु कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं और मार्गी होकर चल रहे हैं। वहीं 13 अप्रैल 2022 को 3:49 पर जो है गुरु कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस वजह से जो है मीन राशि के जातकों के शादी के तो 1000% योग बन ही रहे हैं। यानी कि 13 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक जो है मीन राशि के जातकों के शादी के 1000% योग है। यानी कि इस दौरान आपकी शादी निश्चित ही हो जाएगी। वहीं अन्य दो जो राशियां हैं उसके बारे में भी बताऊंगा, तो आइए जान लेते हैं। तो गुरु जो है 13 अप्रैल 2022 को 3:49 पर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 22 अप्रैल 2023 को 5:14 को यह मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस दौरान 1 साल 9 दिनों तक जो है गुरु मीन राशि में रहने वाले हैं और इन 374 दिनों में आपकी शादी 1000% हो ही जाएगी मीन राशि के जातकों के। हालांकि शनि भी मीन राशि के जातकों पर 7:30 लगा रहा है 29 अप्रैल से, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है और शिव जी को प्रसन्न करना है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जल में काले तिल मिलाकर सोमवार और शनिवार को अर्घ दीजिए शिवलिंग पर, इससे और शिव जी प्रसन्न होंगे और आपके विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आइए अब अन्य दो राशियों के बारे में बता देता हूं। तो मीन के राशि में गुरु के गोचर होने से कन्या राशि के सप्तम भाव में जो है वो गुरु उपस्थित हो जाएंगे, इस वजह से कन्या राशि के जातकों के भी विवाह के योग बन रहे हैं। वहीं तीसरी राशि जो है वो धनु राशि है, क्योंकि इनके राशि स्वामी जो है वो गुरु हैं और इनके आराध्य देव भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं, इस वजह से इस राशि के भी जातकों के योग बन रहे हैं। तो आइए अब मैं आपको बता देता हूं तीन राशियों की शादी किस नाम से हो सकती, कितनी दूरी पर होगी, किस राशि से करनी चाहिए। तो जन्म राशि कन्या है, इनका नाम अक्षर प से शुरू होता है यानी पी से। इनके राशि स्वामी बुध हैं, आराध्य देव श्री गणेश जी हैं। भाग्यशाली रंग इनका हरा है, भाग्यशाली अंक 3 और 8 है। राशि धातु चांदी एवं सोना है। राशि शुभ रत्न पन्ना है। राशि स्वभाव द्विस्वभाव है। राशि अनुकूलवार बुधवार शुक्रवार तथा शनिवार है। राशि अनुकूल रत्न हीरा पन्ना तथा नीलम है। अनुकूल दिशा आपके लिए पश्चिम है। राशि तत्व पृथ्वी प्रकृति वायु एवं राशि प्रकृति वायु है। तो कन्या राशि के जातकों के उत्तर दिशा में शादी होने की संभावना बन रही है गुरु के राशि परिवर्तन से और 80 से 100 किलोमीटर के अंदर आपकी शादी हो सकती है। ASD नाम के जातकों से विवाह के संयोग बन रहे हैं। मकर राशि के साथ अगर आपका विवाह हो तो ज्यादा उत्तम होगा। अगली राशि धनु राशि है। तो जन्म राशि धनु का नाम अक्षर भ से शुरू होता है, फ से शुरू होता है। राशि स्वामी इनके गुरु हैं और आराध्य देव विष्णु नारायण जी हैं। भाग्यशाली रंग आपका पीला है। भाग्यशाली अंक 9 और 12 है। राशि धातु कांस्य है। राशि शुभ रत्न पुखराज है। राशि स्वभाव द्विस्वभाव ही है। राशि अनुकूलवार गुरुवार तथा रविवार है। राशि अनुकूल रात पुखराज तथा माणिक्य है। अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व है। राशि तत्व आपके लिए अग्नि है। शादी किस दिशा में हो सकती है, तो गुरु के राशि परिवर्तन से आपकी शादी के योग उत्तर पूर्व दिशा में यानी ईशान कोण में होने की संभावना बन रही है। ससुराल की अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर हो सकती है। किससे शादी करना सही रहेगा, तो मेष राशि के जातकों से अगर आपका विवाह हो तो ज्यादा उत्तम होगा। अगली और अंतिम राशि
जो कि मीन राशि है, गुरु राशि परिवर्तन कर मीन राशि में विराजमान हो रहे हैं। इस वजह से मीन राशि के जातकों के लिए शुभ संयोग बन रहे हैं और शुभ घड़ी आने वाली है 13 अप्रैल से। तो 13 अप्रैल से मीन राशि के जातकों की साइनाई बजने वाली है और महज 374 दिनों में आपकी शादी 100% से 1000% हो ही जाएगी। राशि नाम अक्षर द है, राशि स्वामी गुरु हैं, आराध्य देव आपके भी श्री विष्णु नारायण जी हैं। भाग्यशाली रंग आपका पीला है, भाग्यशाली अंक 9 और 12 है। राशि धातु कांस्य एवं राशि शुभ्रत्न पुखराज है। राशि स्वभाव भी स्वभाव है। राशि अनुकूल वार गुरुवार सोमवार था मंगलवार है। राशि अनुकूल रत्न पुखराज तथा मुंगा है। अनुकूल दिशा आपके लिए भी उत्तर ही है। राशि तत्व जल और राशि प्रकृति कफ है। तो मीन राशि के जातकों के विवाह के योग जो है 21वें वर्ष से बनते हैं और शादी जो है SGV नाम के जातक से होने की संभावना है। गुरु के राशि परिवर्तन से आपके भी उत्तर पूर्व दिशा में शादी होने की संभावना बन रही है। आपके लिए भी मेष राशि के जातक ज्यादा ही सर्वश्रेष्ठ और विवाह के लिए उत्तम है। तो मीन राशि के जातकों का मेष राशि के जातकों से विवाह करना श्रेष्ठ कर होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको उन 3 राशियों के बारे में बताया जिनके विवाह के योग गुरु के राशि परिवर्तन से गुरु के मीन राशि में प्रवेश करने से बन रहे हैं और 12 अप्रैल के बाद 13 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक यानी 1 साल 9 दिनों तक जो है इन 3 राशियों के शादी के 1000% योग बन रहे हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको ज्योतिष पंचांग मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आपसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो KP तिवारी से संपर्क करें अन्यथा अपने नजदीक के किसी पंडित से संपर्क कर अपनी कुंडली अवश्य दिखा लें। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।